मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जबूर के पहाड़ पर बैत फलते के पास आए, तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने गांव के अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, इन्हें खोल खोल मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिर और उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की बात पर कहा गया था वो पूरा हो के सय्यून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है बल्कि लाठी के बच्चे पर। पस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े ऊपर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में कि अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। अभी चलना है। सबने गौर से जिस तरह उन्होंने